हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ आज पनीर और मशरूम सब्जी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन में एक चम्मच बटर को गरम कर लिया है। आप बटर की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने उसमें 100 ग्राम पनीर को ऐड कर लिया है। अब मैं उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और इसको हम थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप कोई भी पनीर की सब्ज़ी बनाते वक्त पहले एक बार पनीर को ऐसे नमक के साथ हल्का से भून लीजिए, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पनीर की सब्ज़ी में। तो फिर ये अब हमारा पनीर थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब हम उसको अलग से निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम 2 चम्मच बटर ऐड कर रहे हैं और उसको हम गरम कर लेंगे। अब आप इसकी जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रहे हैं और उसको अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद अब हम इसमें एक बड़ा प्याज बारीक कट करके ऐड कर लेंगे और इसको हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। इसमें हम 2 ग्रीन चिली बारीक कट करके ऐड कर रहे हैं और इसको भी प्याज के साथ ही भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं और इस सबको हम अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अगर आप बटर का यूज़ करते हैं तो ये रेसिपी बटर में ही बनाइए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हमारा प्याज भून चुका है, तो अब हम इसमें 3 टोमेटो को पीस कर टोमेटो प्यूरी बनाए हैं, उसको हमने ऐड कर लिया है और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हमने इसमें किचन किंग मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें पाव भाजी मसाला ऐड किया है। तो इस सब को हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए, हमारा मसाला भी भून कर रेडी हो गया है और ये हल्का सा ऑयल छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कलर लाने के लिए किया है, आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा 1 कप के करीब पानी ऐड कर रहे हैं और इसको एक बॉयल आने तक बॉयल कर लेंगे। उसके बाद बॉयल आने के बाद हमने इसमें ये मशरूम जो छोटा छोटा कट करके रखा है उसको ऐड कर लिया है और जो पनीर हमने भून कर रखा था उसको भी ऐड कर लिया है। अब ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसको हम ढककर पका लेंगे। अगर आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। मुझे कम ही ग्रेवी चाहिए तो फिर मैंने 1 कप ही पानी यूज़ किया है। अब ये देखिए, हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड किया है और थोड़ा सा हरा धनिया। ये क्रीम तो ऑप्शनल है और धनिया हम जस्ट गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया है। इसको आप सर्विंग बाउल में निकाल कर गर्मा गर्म पराठा या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।